कनाडा के मौसम का कोई भरोसा नहीं। अभी इतनी तेज धूप थी, इतनी तेज धूप थी, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड बादल आए और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है। गुची, डरा दिया तुमने मुझे। हमने यहाँ पे लकड़ी लगाई हुई है सेफ्टी के लिए, ऐसे तो लॉक हुआ हुआ होता है। गुची बाहर नहीं जाना। धूप भी निकली हुई है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और गुची बाहर नहीं जाना। मैं इसको बाहर भेजने का रिस्क नहीं ले सकती। अंदर आ जाओ। बहुत जबरदस्त वेदर हो रहा है। ओके। तो आज मैं अपने नाश्ते के में बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि मैं रोजाना एक एक नाश्ता नहीं कर सकती। तो यहाँ पे दूध मिलता है सांसे पाउच में और उसके लिए आपको ये जग लाजमी लेना होता है। तो हर घर में आपको ये जग मिलेगा, इसको इसमें रखते हैं, यहाँ से कटिंग करते हैं और फिर यहाँ से यूज कर लेते हैं। तो मैंने मिल्क ले लिया, इसमें मैंने डाल लिया है स्ट्रॉबेरी और इसके साथ मैं शुगर यूज़ नहीं करूँगी, मैं करूँगी अपना ओरिजिनल हनी जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ओके, तो अब मैं इसको ऑन करने लगी हूँ। मुझे बिजली से डर लगता है, तो मैं पाकिस्तान में कभी भी बिजली का काम मैं नहीं करती थी, दूसरों से करवाती थी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यह है मेरा 4-in-1 मग, इसमें मैं पानी भी मैसी में पीती हूँ, चाय कॉफ़ी हो या कोई भी शेक या ड्रिंक कुछ भी हो तो मैं इसे में पीती हूँ। अब मैं क्या अलग गिलास लेती है, कप लेती है, तो मैंने कहा एक ही में हम कर लेते हैं। और बारिश हो गई है तेज़, मज़ा आएगा। इतनी तेज़ बारिश उसके साथ स्ट्रॉबेरी शेक, वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो अभी मैं यहाँ बैठ के इस मौसम को इंजॉय करने लगी हूँ अपने शेक के साथ। उसके बाद मैं जाऊँगी स्क्वायर वन, वहाँ से मुझे कुछ काम है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मुझे अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट करना था, नाश्ता मैं आप लोग अपना दिखा चुकी थी। नाश्ते के बाद मुझे जाना था मॉल, वहाँ पे मुझे कुछ काम भी था और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, लेकिन एक फ्रेंड आ गई तो वो अभी गई है। 2:00 बजे शाम के 4:30 और अब मैं निकल रही हूँ। तो आज मेरी बर्थडे भी है, मुझे मॉल से काम भी था और बर्थडे पे यहाँ पे सफर आपको फिर एक गिफ्ट देता है और दूसरे ब्रांड हैं जो आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो अभी देखेंगे, अगर वहाँ से कुछ समझ आया तो वो शॉपिंग कर लेंगे और अपना काम करूँगा। आज मेरी बर्थडे ना, तो मैंने अपना मेकअप भी बहुत अच्छा सा किया है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है? फातिमा को तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो मेरी तारीफ कर करके नहीं थक रही है। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज का मेकअप। आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट में बताएं। अब मैं आपसे मिलती हूँ मॉल जाके डायरेक्ट। तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले कभी गुलहरी की आवाज़ नहीं सुनी होगी, आज सुन लें। ओके, अभी हम चलते हैं H&M में, लेस से अगर कुछ पसंद आता है तो। नाम से मैंने एक शर्ट ले ली। अब मैं जा रही हूँ सफोरा को ढूंढती। वही सफोरा, अभी मैं बाथ एंड बॉडी में आ गई हूँ। यहाँ से कुछ हाय, यहाँ से कुछ देखते हैं। आई लाइक दिस वन। और ये मेरा ख़त्म हो गया। फाइनली मुझे मिल गया सफोरा। अब मैं डायरेक्ट काउंटर पे जाऊंगी फॉर आस्किंग माय बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट, ये है बर्थडे गिफ्ट, मैंने ये वाला लिया है।
मैं मोरक्कन भी ले सकती हूँ, मुझे हेयर का चाहिए था, मुझे स्किन का ही चाहिए था। Cleanser, mask, and moisturizer. Yeah. Dana 143, right? Yeah. There you go. Okay. Take care. Thank you. Bye. ये तो मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया। Okay, Sephora और आप परफ्यूम ना लगाए, ऐसा कैसे हो सकता है? This. Okay, तो मैंने सफोरा से भी गिफ्ट ले लिया अपना और H&M से भी ले लिया। अब मैं जा रही हूँ और ने भी, इसके अलावा मुझे और कुछ लेना नहीं था, मेरे पास बहुत है सफोरा का सामान। अभी मुझे मैसेज आया है कि मुझे फातिमा ने ज्वाइन कर लिया, मतलब फातिमा भी यहाँ मॉल में आ चुकी है, तो अभी मैं जा रही हूँ फातिमा, मैं तो अपने और ने भी जा रही हूँ, वो भी वहीं पर आ जाएगी, फिर हम लोग घर जाएंगे। तो मैं तो फ्री हो चुकी हूँ अपनी शॉपिंग से, ज़्यादा शॉपिंग मुझे करनी नहीं थी, अब मुझे कर लिया है फातिमा ने ज्वाइन, अब वो थोड़ी सी शॉपिंग कर रही है, उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे कोई एक केक पीस लेकर यहाँ पे अपने बर्थडे विश कर आई मीन सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन टाइम ओवर हो गया है, 9 बजने वाले हैं, तो मॉल बंद होने वाले हैं, तब हम लोग घर जा रहे हैं। 9 बज गए, सारे स्टोर बंद हो चुके हैं, अब हम घर जा रहे हैं। Want to know what is inside, then you have to wait for my next vlog. Till then, do subscribe my channel. Take care. Bye.